हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स चार्ट कैसे बनता है, इनकम टैक्स चार्ट बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है एंड क्या क्या फार्मूला हम लोग इसमें यूज करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं, टैक्स निकाल सकते हैं, आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट के ऊपर कितना इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, फुल्ली डिटेल्स में बात करेंगे कि इनकम टैक्स कैसे निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो टोटल इस मंथ का अगर 2012 का अगर मान लीजिए एग्जाम्पल लेके मान लीजिए 10 लाख रुपया है एंड इसके बाद 2013 का 5 लाख, तो अगर मान लीजिए कि अगर ये पैसा आप अगर कहीं से इंटरेस्ट पे उठाए हुए हैं, कहीं ये मतलब बैंक से ही हो गया या कहीं से भी आप लोन वगैरह कुछ भी करके आप ये पैसा लिए हुए हैं तो अगर आपको मान लीजिए इस पे इंटरेस्ट पेड करना है, अगर इसके ऊपर की ब्याज आपको देना है या कोई भी इनकम टैक्स देना है, किसी भी प्रकार को आपको इसको देना है पैसा, तब आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए नॉर्मल हम लोग क्या करेंगे कि बराबर एंड नॉर्मल जो हमारा टोटल इनकम है एंड कितना परसेंट लग रहा है उसको उतना से डिवाइड कर देंगे। तो नॉर्मल ई सेवन मल्टीप्लाई भाई मान लीजिए एग्जांपल के लिए 5% ही हम ले रहे हैं, यहाँ पे 5% ले रहे हैं, तो 5 ब्रैकेट बंद एंड ब्रैकेट मल्टी डिवाइड बाई 100% जब हम लोग निकालते तो डिवाइड बाई 100 करते हैं, तो ये ऐसे करके तो हमारा क्या निकल गया, 10 लाख का 5% हम लोग निकाले तो क्या निकल गया हम लोग का 50,000 रुपया, ये हमारा क्या है इंटरेस्ट हो गया। तो नॉर्मल इसे करके नीचे में स्क्रॉल कर देंगे तो सबका निकल जाएगा, ऐसे करके हम सबका निकल जाएगा। तो अब हमको प्रॉफिट देखना है, प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ हमारा पे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या है कि हमको टोटल अमाउंट में से जो हम पैसा पेड कर रहे हैं उसको घटा देंगे। तो नॉर्मल इसको करने के लिए क्या है, बराबर सम E7 में से हमको क्या करना है, F7 को घटा देना है। तो ब्रैकेट स्टार्ट E7 माइनस F7 और ब्रैकेट 1 और इंटर कर देंगे। तो हमारा ये 2012 का टोटल इनकम जो हम लोग का टोटल इंटरेस्ट पेड करके जो हमारा प्रॉफिट बच रहा है वो बच रहा है 9,50,000 रुपया, हमारा क्या है कि इंटरेस्ट पेड करने के बाद इनकम बच रहा है। तो फिर नीचे इसको पकड़ के स्क्रॉल कर देंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि टैक्स कैसे निकालना है, टैक्स कैसे निकलेगा। तो टैक्स निकालने के लिए मतलब सेम जैसे हम लोग इंटरेस्ट पेड का निकाले हैं सेम टैक्स का भी निकलेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको प्रॉफिट जितना हुआ है, प्रॉफिट पे अगर मान लीजिए गवर्नमेंट आपसे 3% ले रहा है या 10% या 5%, जो भी गवर्नमेंट का रेट है उसके हिसाब से। तो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमारा 2% गवर्नमेंट इनकम टैक्स ले रहा है, तो इसको निकालने के लिए नॉर्मल फिर बराबर जब हम लोग यूज किए हैं प्रॉफिट में से हम लोग का 2% माइनस कर देना है। तो G7 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 100 और ये हमारा टैक्स जो है सरकार के पास 19,000 रुपया सरकार के पास टैक्स जा रहा है। तो नॉर्मल इसे पकड़ के क्या करेंगे कि स्क्रॉल कर देंगे, ये सारे डेटा का निकल जाएगा। एंड अब हमारा क्या है कि टैक्स पेड करने के बाद और इनकम इंटरेस्ट पेड करने के बाद, ये सारा चीज़ पेड करने के बाद हमारा प्योर प्रॉफिट कितना बचता है, तो इसको निकालने के लिए नॉर्मल हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट में से टैक्स को घटा देंगे, क्योंकि यही हमारा जो रियल प्रॉफिट निकलेगा। तो रियल प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल क्या है, फिर वही बराबर सम एंड ब्रैकेट स्टार्ट G7 में से हम लोग का G7 माइनस H7 और ब्रैकेट बंद और इंटर कर देंगे। तो ये हमारा बचा 9,31,000 रुपया जो है हमारा क्या है, प्योर इनकम बचा 2012 का। तो ऐसे करके आप पूरा साल का निकाल सकते हैं, नॉर्मल इसे करके स्क्रॉल कर दे एंड ये निकल जाएगा। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग नॉर्मल स्टेटमेंट इनकम टैक्स जो है हम लोग
किसी भी कंपनी का या किसी भी दुकान का या किसी भी मॉल शॉपिंग मॉल ये सारा चीज़ का हम लोग ऐसे करके स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, बिल समरी निकाल सकते हैं, टैक्स कैसे पेड हुआ, कितना टैक्स लगा नहीं लगा, ये सारा चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।